एस्प्रिन लेना है घर का बना हुआ एस्प्रिन लेना है एस्प्रिन लेना है घर का बना हुआ एस्प्रिन लेना है इंपॉर्टेंट ब्लड थिन ही तो करना है ना आपको यही तो मेन मकसद है ना ब्लड एसप्रीन ब्लड थिनर ब्लड थिन होगा तो क्लॉटिंग नहीं होगी दैट इज द फंक्शन तो ब्लड थिन करने के लिए एस्प्रिन लेते हैं सेलेसिन सेलेसिन जो होता है उसके अंदर का के केमिकल वो लेते हैं वो कैसे मिलेगा उसको मिलने के लिए ये रहा आपके सामने फॉर्मूला जिंजर अदरक राइट गार्लिक लहसुन टर्मरिक हल्दी राइट इतना सा जिंजर इतना सा ही टर्मरिक और एक क्लोव एक क्लोव अगर गार्लिक आप लेंगे रात को सोने से पहले उसको कूट के खाएंगे तो आपने आइसप्रीम ले लिया डॉक्टर हो? डॉक्टर साहब मैं रोज लेता हूँ आइसप्रीम सोने से ले, पक्का ही लेता हूँ राइट तो आइसप्रीम ले रहे हैं आप लिटरी ले रहे हैं राइट right? तो इस फॉर्म में आपको एस्पिरिन लेना है अच्छा इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है कोई साइड बेनिफिट है इसका साइड इफेक्ट है बट इन द फॉर्म ऑफ बेनिफिट राइट right? कैसे इसका मैं बताता हूं एस्पिरिन क्या करता है ये नेचुरल ये नेचुरल नेचुरल एस्पिरिन एस्पिरिन बन गया क्योंकि जिंजर के अंदर जो केमिकल केमिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिंजरोल गार्लिक के अंदर एलेसिन और करक्यूमिन टर्मरिक के अंदर ये तीनों केमिकली एक्टिव चीजों को जब मिलाएंगे तो ये ब्लड को वैसे ही थिन करेगा जैसे एस्पिरिन करता है तो so, वही वाला केमिकल बन गया राइट right? और ये सारी चीजें तो मेडिकल जर्नल्स में ऑलरेडी लिखी हुई है राइट दीज ऑल थिंग्स आर देयर इन द मेडिकल जर्नल वो अगर आपको रिसर्च पेपर चाहिए तो आपको मैं एक लिंक दूंगा अभी आगे उसमें लिंक इज आई थिंक हेयर राइट दिस इज द लिंक इस लिंक में जाएंगे तो इस लिंक में आपको बिश्रुप डॉट कॉम स्लैश एच आई बी राइट इसमें ये सारी चीज आपको मिल जाएंगी राइट right? तो रिसर्च पेपर मिल जाएगा और एस्प्रिन आप ले रहे हैं लेकिन आप घर में बना रहे हैं उस एस्पिरिन को उस एस्पिरिन कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हम लहसुन लहसुन नहीं खाने वाले कुछ कुछ लोग हैं यहाँ पे कुछ लोग हैं तो लहसुन नहीं खा रहे हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं, नहीं इसका भी है लौंग लौंग लीजिए एक और उसको लहसुन की जगह डालिए लौंग में एक अलग एक्टिव एक इंग्रेडिएंट है यूगनॉल लेकिन यह भी मिलेगा तो वही ब्लड थिनिंग काम करेगा जो कि एसप्रिंट करता है लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट साइंस है कि कंडीशनल ब्लड थिनिंग कंडीशनल ब्लड थिनिंग करेगा राइट कंडीशनल ब्लड थिनिंग क्या है वो आप समझिए राइट कंडीशनल ब्लड थिनिंग इज मैं आपको बताता हूं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के आ, मैं एक बार सिंगापुर एयरपोर्ट में वेट कर रहा था आठ घंटे का वेटिंग पीरियड था अगले फ्लाइट के लिए तो वहां पे मशीनें होती हैं कुछ

बोलने का मतलब यह है कि अगर कोई आपका आपसे जो प्यार करता है वो जब मसाज करेगा तो ये ध्यान रखेगा कहां चोट है कहां दर्द है कहां ज्यादा कहां कम लेकिन जो मसाज मशीन एक बार शुरू होगा तो वो प्रोग्राम हो गया एक घंटे बाद ही रुकेगा वो तो जब ब्लड थिनर आप लेते हैं स्प्रिन तो उसको ये नहीं पता कि कहां ब्लड थिन करना है कहां पे नहीं करना है ओवरऑल बॉडी ब्लड थिन कर देगी जैसा कि उसका काम है लेकिन जब हम नेचुरल ब्लड थिनर लेंगे जो मैं बता रहा हूं तो वो कंडीशनल ब्लड थिनर है राइट जहां पे क्लॉटिंग होने वाला है वहां पे उसका इफेक्ट आएगा ना कि पूरे उसमें राइट उसके मेडिकल रिपोर्ट में दिखाता हूं कि जब ये वाला लेंगे तो पूरी तरह से हर जगह थिन नहीं होगा मान लो कहीं चोट लग गई तो वहां ब्लड थिन होगा तो खून बहता रहेगा लेकिन ये वाला ब्लड थिनर लेंगे तो वहां पे नहीं वहां पे क्लॉटिंग होगी बिकॉज वहां पे आपको ब्लड थिनिंग की जरूरत नहीं है कंडीशनल ब्लड थिनिंग दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट और मान लो आपको ये भी नहीं लेना तो एक और

आप ये चार टमाटर खाएंगे आपका डॉक्टर फोन करेगा हाँ डॉक्टर साहब मैं वो ब्लड थिनिंग वाली गोली ले रहा हूँ जो जो ना उसकी भी गोली ले उसका भी गोली ले रहा हूँ और और मुझे लगता है कि हार्ट की बीमारी जो दी है सारी गोलियां मैं खा रहा हूँ राइट ये रही आपकी सारी गोलियां तो तीन ग्राम जब आप खाएंगे और इस तरह से खाएंगे तो जाके इफेक्ट करेगा अगर इसको पकाएंगे आप कुक करेंगे तो वो फूड है लेकिन इसको अगर इसी फॉर्म में इतने ही ग्राम खाएंगे मतलब एक अच्छा खासा तीन ग्राम इज समथिंग राइट तो जाके दैट इज और ऐसा रोज करेंगे तो दैट इज ब्लड थिनर कंडीशनल ब्लड थिनर राइट और सो so, जो हार्ट का ट्रकी कार्डिया दैट इज जो हार्ट बीट जिनके ठीक नहीं रहते हैं वो सब ये ठीक करता है और एक इंपॉर्टेंट बात नाइट्रिक ऑक्साइड कोई भी फ्रूट एंड वेजिटेबल आपको बॉडी को नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करने में मदद करता है लेकिन सबसे ज्यादा मदद करता है दो चीजें नंबर वन ग्रीन लीव्स हरे पत्ते तो हरे पत्ते अगर रोज खा सकते हैं कितना करीब आपके बॉडी वेट के हिसाब से मान लो मेरा बॉडी वेट सत्तर के है तो सेवेंटी ग्राम इन लंच और डिनर राइट हरे पत्ते और हरे पत्ते और दूसरी चीज वो है लाल टमाटर राइट सो ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है तो बोलने का मतलब है कि आप जब ले रहे हैं ये सिर्फ ब्लड थिनिंग ही नहीं कर रहा है कंडीशनल ब्लड थिनिंग आपके हार्ट बीट को सिंक्रोनाइज ही नहीं कर रहा है बल्कि नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करके आपके ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मलाइज कर रहा है तो एक तीर से इतने सारे निशान निशाने हो गए लेकिन ये खाना पड़ेगा अगर मैं आपसे पूछूं कितने लोग ऐसे हैं जो कभी अपनी जिंदगी में एक साथ चार टमाटर खाए हो तो कम लोग निकलेंगे कभी कभी लेकिन इसको रोज का पार्ट बनाना डू इट एवरी डे सो और ऐसा करते हुए अगर आप पंद्रह दिन कर पाते हैं फिफ्टीन डेज ट्वेंटी डेज एंड देन यू सी हाउ योर हार्ट इज हेल्पिंग यू राइट सो दीज आर द थ्री डिफरेंट फ्रॉम एंड इन विच यू कैन टेक एसप्रीज मैंने ये वही वाले फॉर्म लिखे हैं जो मेडिकली वैलिडेट कर सकते हैं हम राइट नुस्खे नहीं है ये नुस्खे कब जाता है, है राइट नुस्खे भी काम करते हैं और नुस्खे ही बदलते हैं जब वो एविडेंस बन जाता है राइट वो जो एस्पिन पेड़ का जो मैंने एग्जाम्पल दे रहा था वो नुस्खे थे जानवरों के लिए लेकिन उसको रिसर्च कर दिया तो वही साइंस बन गया राइट इतना ही फर्क होता है कोई रिसर्च पेपर साथ में हो तो दैट बिकम्स अज साइंस तो आपके पास इस वक्त तीन एस्प्रिन के तरीके हैं पहला तरीका दूसरा तरीका तीसरा तरीका तो रोज एस्प्रिन जरूर खाइए लेकिन इस फॉर्म में खाइए राइट इफ यू कैन डू इट राइट यू कैन सी द रिजल्ट विद इन विद इन फ्यू डेज ओवरऑल एनर्जी योर हार्ट कंडीशनिंग योर ब्लड प्रेशर सारी चीजों में फर्क पड़ेगा